सुनाओ प्रोटोजोआंस, हमने पढ़ना है फर्स्ट एनिमल। तो प्रोटोजोआंस जो हैं वो जितने भी प्रोटोजोआंस हैं वो हेटेरोट्रॉफिक है। और ये प्रीडेटर्स होते हैं, मतलब दे या तो ये प्रीडेटर्स हैं या तो ये पैरासाइटिक फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स। किंगा ऑलमोस्ट जो कुछ भी है, जैसा भी बिहेवियर है, वो एनिमल जैसा है ना, बट वही यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर फॉर्म्स की वजह से हमने प्रोटिस्टा में डाला है। अब इसको हमने चार मेन ग्रुप्स में डिवाइड करना है। पहला पहला मेजर ग्रुप है एमीबॉइड, सेकंड मेजर ग्रुप फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआंस, सिलिएटेड प्रोटोजोआंस एंड फिर आ गया स्पोरोजोआंस। तो चार मेजर ग्रुप है और ये ग्रुप हमने इसको किस हिसाब से दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमेट्री लोको मोटरी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो पहला हम पढ़ेंगे दिस इज अमीबॉइड प्रोटोजोआन। ये आपको मिलेंगे फ्रेश वाटर में, सी वाटर, और मॉइस्ट सॉइल में। ठीक है, दे मूव, ये मूवमेंट करते हैं एंड कैप्चर कैप्चर देयर प्रे by putting pseudopodia। क्या होता है ये, हमने छोटे होते भी पढ़ा है जब हम छोटी क्लासेस में थे, जिसे हम बोलते हैं फॉल्स फीट। जैसा आपको दिखता है अमीबा में, सो ये
अमीबा है। और मान लो इसको खाना खाना है, छोटे मोटे बैक्टीरिया खाने हैं, कोई किसी को प्रीडेटर होता है जो शिकार करता है, तो ये शिकारी है, और इसको किसी को खाना है, तो मान लीजिए ये कोई ये ऐसे इसको पकड़ेगा। ये तो जो दो चीज़ें बनी, ये वाले ये सेक्शंस, ये ऐसे लगता है कि फीट जैसा है, क्योंकि इसी को स्यूडोपोडिया बोलते हैं। फॉल्स फीट, फीट नहीं होता, बट ऐसे प्रोजेक्शन लगते हैं जैसे पैर जैसे बन रहे, तो दिस इज़ फॉल्स फीट। इससे वो इसको क्या करेगा, खाने को पकड़ लेगा, खाने को इसने ऐसे ऐसे क्या कर लिया अपने अंदर, ठीक है, इसे खाने को अंदर ले लिया। ऐसी न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ये जो बने, दीज आर योर फॉल्स फीट। ठीक है, अब इसमें से अमीबा तो खैर खाना खाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, सम ऑफ देम लाइक एंटमीबा जो है वो एक पैरासाइटिक फॉर्म है। क्या है, एक पैरासाइटिक फॉर्म है, ठीक है, एज ए पैरासाइट रहता है। सेकेंड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, सेकेंड ग्रुप, इनके ऊपर फ्लैजिला होता है। ये या तो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब या तो खुद, या तो किसी के ऊपर एज ए पैरासाइट रहते हैं। ठीक है, जो फ्लैजेला होता है, जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं वो डिजीज़ कॉज करती हैं। इसे स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा करके एक प्रोटोजोआन है जो क्या करता है, बीमारी कॉज करता है। फिर आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप पे सिलिएटेड प्रोटोजोआन, ये एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहते हैं।
उसमें बहुत सारे सीलिया होते हैं। ठीक है, तो ये पैरामीशियम है। अगर इसके ऊपर छोटे 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 क्या होते हैं, सीलिया। ये क्या है, सीलिया, जो इनको मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। एक और बात याद रखना, पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, पैरामीशियम के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं। इनके पास एक कैविटी होती है, दे हैव अ कैविटी। शिवांग सला, दे हैव अ कैविटी जिसे गलट बोलते हैं। ठीक है, सो सीलिया वगैरह जब चलते हैं, जब ये मूवमेंट करते हैं, तो मैं एक लाइन लिखूंगी, तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द रोज ऑफ कॉजेज द वाटर and water and food to be steered into gullet। ठीक है, तो खाना वगैरह सारा जो है वो अंदर मूवमेंट की वजह से खाना वगैरह जो है वो अंदर जाता है। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। सो ये मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करूँगी, वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, पैरामीशियम स्लीपर लाइक होता है, चप्पल जैसी दिखती है वैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। इसमें सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये मैंने पहले भी बोला है। जिस जिसके पास आपने ऐसे याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इक्वल टू लाइक किडनी। किडनी क्या करती है, मेरे शरीर में, तुम्हारे शरीर में पानी को अब्जॉर्ब करेगी एंड इट विल लेट अप वाटर आउट। वैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वाटर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है, पानी को रेगुलेट करता है। वर्ड आई एम यूजिंग हियर इज ऑस्मो रेगुलेटर। मूवमेंट के लिए इनके पास क्या होता है, सीलियाज होते हैं। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की वजह से। ठीक है, पेलिकल की लेयर होती है, दे डोंट हैव सेल वॉल, पर एक प्रोटीन का लेयर होता है जो इनको फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, इफ़ यू सी हियर, दिस इज़ पैरामीशियम, दीज आर स्मॉल सीलियाज हियर। पेलिकल इनके ऊपर कवर है जो इनको फ्लेक्सिबिलिटी, एक शेप प्रोवाइड करता है। एक्टोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म जो बाहर की तरफ, एंडोप्लाज्म होता है जो साइटोप्लाज्म अंदर की तरफ। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, याद रखना। दे हैव टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस एंड माइक्रो न्यूक्लियस। ये साइटोस्टोम इज अ, जैसे हमारा मुंह होता है, स्टोम वर्ड हम बायो में यूज़ करते हैं माउथ के लिए। तो इसके पास भी मुंह माउथ जैसा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम बोलते हैं। ये गलट है, ठीक, गलट। अभी मैंने आपको बताया, दे हैव अ गलट ओपनिंग जैसी होती है, तो यहाँ से चीज़ें दे कैन इनगल्फ इन साइड इट। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये फूड वैक्यूल है। फूड वैक्यूल होता है जहाँ पे खाना जो है वो स्टोर होता है। ये देखो, दो तरह के न्यूक्लियस हैं इनके पास, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस किडनी लाइक होता है, और इसके पास डीएनए के ग्रैन्यूल्स होते हैं, डेंस क्रोमैटिन डीएनए। इट इज़ आल्सो कॉल्ड जनरेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट वन इन नंबर।
मैक्रोन्यूक्लियस का क्या काम है, ये वेजिटेटिव और नॉन रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है, याद रखना। मैक्रोन्यूक्लियस के का काम है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है उसका काम कौन संभालता है, मैक्रोन्यूक्लियस संभालता है। और माइक्रोन्यूक्लियस छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और जितनी भी इट कंट्रोल्स ऑल द सेल रिप्रोडक्शन, जितनी रिप्रोडक्टिव थिंग्स है वो सारी कौन संभालता है, माइक्रोन्यूक्लियस संभालता है, ठीक है। जितनी भी डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, डीएनए मटेरियल का जितना भी जाए, मतलब मेन यही है, ऊपर वाला हिस्सा आपको कुछ कुछ जो नॉन रिप्रोडक्टिव काम है वो संभाल के देगा। ये वो है जिसके पास डीएनए मटेरियल है, जैसे नॉर्मल डीएनए होता है, वो ये वाला माइक्रोन्यूक्लियस वैसा वाला काम जो है वो करता है। गॉट इट? तो इतना ही पढ़ना है भी, मैंने अपनी एक्स्ट्रा आपको सिर्फ क्या क्यूरियोसिटी होगी, मैम ने दो न्यूक्लियस बोला तो मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज सीलिएटेड स्पोरोज़ोआ। अगली क्लास जो है वो हमें बहुत परेशान करती है, ये वो क्लास है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोज़ोआन क्लास। स्पोरोज़ोआन क्लास इट इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेजेस। तो इनमें वो ऑर्गेनिज्म आएंगे That have an infectious spore-like stage. Infectious मतलब जो किसी भी और को इन्फेक्ट कर सके, वहाँ पर जाकर अपने आप को डिवाइड करे, तो एक ऐसा बॉडी ऐसा बना दे जो दूसरे को तंग करे, दूसरे से खाना पीना लेके खुद को एक इंक्रीज जो है वो करता रहे। इसमें से सबसे नोटोरियस जो आप पढ़ते हैं, जैसे मलेरिया जो फैलाता है, प्लाज्मोडियम, है ना, हमने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा होगा, एक मलेरियल पैरासाइट है। इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम वीवेक्स, बहुत सारे वर्जन्स हैं इसके, आप इसको प्लस टू में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। ये मलेरिया कॉज करता है, तो स्पोरोज़ोआन की जो बॉडी है इस स्पोरोज़ोआन के बारे में बात कर रही हूँ, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंडो पैरासाइटिक है, मतलब शरीर के अंदर जाकर दूसरे ना होस्ट के अंदर जाएगा, पैरासाइट है, एंडो पैरासाइटिक फॉर्म्स होती हैं, पैथोजेनिक है, यह बीमारी फैलाएंगे। इनके पास फूड कैप्चर करने के लिए या चलने फिरने के लिए कोई ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। ऑर्गेनेलीज फॉर लोकोमोशन एंड फूड कैप्चरिंग इज एब्सेंट। ठीक है, ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब पैरासाइटिक, तो ये ज़्यादातर पैरासिटिक फॉर्म्स हैं। और इनके लाइफ साइकिल में फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोज़ोइड्स होते हैं, और यही स्पोरोज़ोइड हमारे शरीर में बहुत परेशानी फैलाता है। दिस इज़ अ इन्फेक्शियस फॉर्म जो हमें तंग करती है, इनके एक इन्फेक्शियस फॉर्म बनती है ड्यूरिंग द सेक्शुअल लाइफ साइकिल, तो जो वो हमारी बॉडी में छोड़ देते हैं वो फिर बड़े होते हैं, और फिर वो हमारा शरीर का खाना खुना यूज़ करके बड़े होते हैं, और फिर हमारा बुरा हाल हो जाता है, एंड दे डेवलप इन टू द न्यू अडल्ट। मैं थोड़ा सा और एक छोटा सा और डिटेल ले लेते हैं।
क्लासिफिकेशन मैंने पीछे भी बताई आपको, है ना, ये क्लासिफिकेशन। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा थोड़ा सा कम उसमें लेके जाते हैं। एक ले लेते हैं, इसका नाम रखते हैं सार्कोडीना। डरना नहीं है अब, सार्कोडीना या फिर इसका दूसरा नाम है राई राइजोपोडा। तो राइजोपोडा वो होते हैं जिनके पास स्यूडोपोडिया होता है, और स्यूडोपोडिया या भी हमने इसका एक और नाम रखा था अमीबॉइड। अमीबॉइड, ठीक है। फिर फ्लैजिलेटेड, थोड़ा सा और हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा हो गए जिनके पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिलेटेड, ठीक है। फिर आ गया सक्टोरिया और सीलिएटेड, द लास्ट वन इज स्पोरोजुआ। इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है। तो जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमेट्री स्ट्रक्चर। तो जिनके पास यूरोपोडिया है, फॉल्स फीट है, वो सार्कोडीना अमीबॉइड बोल सकते हो आप। जिसके पास फ्लैजिला है वो फ्लैजिलेटेड, जिसके पास सीलिया है वो सीलिएटेड। सीलिएटेड में भी आपने पैरामीशियम देखा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, स्पोरोजोन्स की बहुत सिंपल बॉडी होगी, ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स फॉर लोकोमोशन में फ्लैजिला सीलिया कुछ नहीं होगा, पैरासिटिक फॉर्म्स हैं इनके पास। इनके लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस फॉर्म बनती है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोजॉइड, जो बेसिकली किसी के भी अंदर जाके यही कॉज करता है सब कुछ जो कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिटेलिंग में जाने की कोशिश की, एग्जांपल्स आपको लिखने हैं, याद रखने हैं। मेस्टिकोफोरा, मेस्टिकोफोरा से पहले आएगा ये। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन में सार्कोडीना, क्या नाम है इसका, सार्कोडीना, या इसका दूसरा नाम है राइजोपोडा या अमीबॉइड। ये वो होते हैं जिनके पास स्यूडोपोडिया होता है, दे हैव स्यूडोपोडिया। और फॉल्स फीट, ठीक है। इसमें आपको एग्जांपल है अमीबा, पिलोमिक्सा एंड अमीबा हिस्टोलिका। ये तीन एग्जांपल्स मैंने इसमें लिखे हैं, अमीबा पिलोमिक्सा एंड अमीबा हिस्टोलिका। एंटीमीबा हिस्टोलिका एक एंडो पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। कहाँ रहता है? हमारी ही लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है कोलोन, उसकी क्लियर होती है उसमें रहता है। और ये डिसेंट्री करता है, डिसेंट्री मतलब जब स्टूल के साथ ब्लड पास हो जाए तो उसे हम डिसेंट्री बोलते थे। कौन सी बीमारी कॉज करता है? अमीबॉयसिस। और ये अमीबॉयसिस का मतलब अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूँ, अमीबिक डिसेंट्री। गुड, फिर आप आ जाइए इधर। इसमें आपके पास है मेस्टिकोफोरा, फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोआंस। इसमें मैंने जो लिखे आपको वही याद करने हैं, ट्रिपनेसोमा, लिशमीनिया, जियार्डिया, ट्राइकोमोनास, ट्राइको निम्फा, ठीक है। ट्रिपनेसोमा ये सब के सब बीमारी कॉज करेंगे, इन सब के पास फ्लैजिला होता है, ठीक है। ये स्लीपिंग सिकनेस करता है। और इस एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगा कौन, कौन लेकर जाएगा? सीसी फ्लाई, ठीक है। वैसे लिशमीनिया बीमारी कॉज करेगा, लिशमीनिया एजेंट है, इस एजेंट को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, उसको लेकर जाएगा सैंड फ्लाई या फेलोबोटोमस। ये कौन सी बीमारी करता है? मान लो मेरे अंदर सैंड फ्लाई घूमती घूमती मेरे पे बैठी, उसने मुझे काटा, तो मेरे अंदर क्या चला गया? लिशमीनिया। और लिशमीनिया मेरे अंदर कौन सी बीमारी करेगा? काला आजार या डम डम फीवर। देन यू हैव जियार्डिया। जियार्डिया का पूरा पुराना नाम होता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन में रहता है, भी इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, बीमारी कॉज करता है। ट्राइकोमोनास,
ये लड़कियों में क्या करता है, उनके वजाइना में रहता है और फिर ख़राब कर देगा, या वहाँ से वाइट फ्लूड, स्मेल वाला वाइट फ्लूड आ जाएगा, तो ये कौन सी बीमारी कॉज करेगा? ल्यूकोएरिया। आप इतना बात याद करो, जब भी हेरिया आएगा ना, इसका मतलब देर इज़ सम फ्लूड सिक्रीटिंग आउट, डायरिया सिक्रीटिंग आउट, आयरिया आ गया सिक्रीटिंग आउट। ट्राइकोनिम्फा एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा प्रोटोजोआन है जो सिम्बियोटिक प्रोटोजोआन है, मतलब ये आर्थ्रोपोड के इंटेस्टाइन में रहता है। आर्थ्रोपोड को कहते हैं तो मुझे जगह दे दे। आर्थ्रोपोड हो गया जैसे मान लो कॉकरोच है, आर्थ्रोपोड होते हैं इंसेक्ट्स, मान लो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर रहेगा, कॉकरोच को बोलेगा जो तू खाएगा मैं वो खा लूँगा, और बदले में मैं तेरे लिए एक ऐसा एंजाइम बनाऊँगा जिससे तू लकड़ी को तोड़ सकता है, लकड़ी को खा सकता है, दिस इज हाउ लकड़ी में सेलुलोज होता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर आता है आपके पास लास्ट, थर्ड सिलिएटा। इसमें आपको याद रखना है पैरामीशियम, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया। पैरामीशियम डाई न्यूक्लियस डाइमॉर्फिक होते हैं, दो न्यूक्लियस होते हैं मैक्रो एंड माइक्रो। इसमें एक सेल माउथ होता है और सेल एनस होता है, यहाँ से खाना जाएगा, यहाँ से खाना बाहर निकलेगा, ठीक है, पढ़ाया मैंने। इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो पानी को रेगुलेट करते हैं, पानी को बाहर निकालना अंदर निकालना, ये एनिमल का सबसे बड़ा काम है। हमारी किडनी हमारी ऑस्मोरेगुलेशन है, ऐसे इन छोटों के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। दूसरा आपको याद रखना है वॉर्टिसेला, जिसे ये बेल एनिमल होता है, बेल लाइक होता है। स्पोरोजोआ हमने वैसे ही कर लिया, ठीक है, प्लास्मोडियम। सो ये है प्रोटोजोआन फ्रॉम योर एनसीईआरटी। ऑल प्रोटोजोआन्स आर हेटरोट्रॉफ्स एंड लिव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट्स। दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे आर ऑफ फोर मेजर कैटेगरीज, अमीबॉयड, जिसको मैंने एक और नाम दिया सार्कोडिना, या इसको राइजोपोडा भी बोलते हैं। इनके पास ये फोर मेजर ग्रुप्स के स्पेस पे ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटेटरी ऑर्गन। ठीक है, इसमें अमीबॉयड प्रोटोजोआन है, ये फ्रेश वाटर में, सी में, मिट्टी में रहते हैं, ये मूव करते हैं, स्यूडोपोडिया से मूव करते हैं। इरेगुलर शेप होती है अमीबा की, है ना, कोई सेल वॉल नहीं है, बस मूवमेंट के लिए, दैट इज़ वो इनको सेल वॉल नहीं दिया गया। अगर सेल वॉल देते तो ये बहुत रिजिड हो जाते, तो मूवमेंट्स वगैरह रुक जाते। प्रे होता है, शिकार करते हैं, पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट बाहर निकालते हैं अमीबा, छोटे छोटे बैक्टीरियाज को खाएगा। मोस्ट फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सर्फेस, सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा हेलिका आल आर पैरासाइट्स। ठीक है, उसके बाद है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, जिसको आप मास्टिगोफोरा, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर इधर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक, दे हैव फ्लैजिला, इसका नाम है ट्रेम, एक एग्जांपल है ट्रेम्पेनोसोमा, जिसको मैंने अभी बताया कि वो स्लीपिंग सिकनेस करता है। फिर आ गया सिलिएटेड प्रोटोजोआन, एक्वाटिक है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, सीलिया से मूव करता है। इनके पास एक कैविटी होती है जो कि टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस, मतलब जो सरफेस के बाहर की तरफ, इस तरह से होता है ना, चप्पल लाइक होता है, तो ये इस तरह से यहाँ पर एक कैविटी मैंने आपको दिखाई, जिसे गलट बोलते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी सिटीड इन टू द गलट, कहता है जो भी खाना है पानी में मिला हुआ सीधा कहाँ जाए, इसकी ओपनिंग है जैसे साइटोस्टोम या माउथ कहते हैं, उसके थ्रू जाकर गलट तक पहुँच जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इसको स्लीपर एनिमल भी बोलते हैं। स्लीपर एनिमल इसलिए बोलते हैं कि इसकी शक्ल ही ऐसी होती है। पैरामीशियम के पास कितने न्यूक्लियस होते हैं? दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। ठीक है, समझे? तो ये जितना था, द लास्ट वन इज स्पोरोजोआन। दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लास्मोडियम, जिसे हम मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं। तो प्लास्मोडियम नोटोरियस होता है, बदनाम, बड़े सारे नाम मैंने आपको बताए। प्लास्मोडियम वीवेक्स इसकी एक, प्लास्मोडियम फ्लासिपुरम एक इसका स्ट्रेन है, बहुत सारे हैं।
और ये एजेंट को कौन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, खुद तो नहीं ना जाता, एक मच्छर होता है फीमेल एनाफिलस। ये फीमेल एनाफिलस इसको पिक करती है, फीमेल एनाफिलस किसी को काटेगी और काट वो लेती है उससे खून अपना खाना। और उसी समय क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम फीवेक्स का एक फॉर्म होता है, प्लाज्मोडियम फीवेक्स मैं हूँ, हमारी एज है, मेरी एज है कि मैं 36 ईयर्स ओल्ड, आप एक टीन एज पे हो, तो मैं एक एजिंग पॉइंट पे, मैं एक ओल्ड एज पे पहुँचने वाली, तो मैं भी टीन एज पे, तो एक हर एक ऑर्गेनिज्म का एक एक लाइफ स्पैन का एक फेज़ होता है, तो आपका फेज़ टीन एज है, वैसे इस प्लाज्मोडियम फीवेक्स का भी जिंदगी है, उस जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है, उस जिंदगी का एक छोटा सा फेज़ है जिसे बोलते हैं स्पोरोजॉइट। और ये स्पोरोजॉइट, ये फीमेल एनाफिलस स्पोरोजॉइट को हमारे अंदर, दिस इज इन्फेक्शियस फॉर्म, ये स्पोरोजॉइट हमारे अंदर जाता है, और फिर ये स्पोरोजॉइट हमारे अंदर जाके हमारे सबसे पहले हमारे लीवर पे अटैक करता है, एक वंस द लीवर इज़ डन फिर ये आरबीसी को ख़त्म कर लेता है, बेसिकली आरबीसी पे अटैक करता है, आरबीसी की, आरबीसी इसका खाना है, इसका फूड है, फिर इज अ पैरासाइट। और फिर जैसे जैसे आरबीसी ख़त्म होने लगते हैं तो जो मलेरिया वाला इंसान होता है उसका उसका ब्लड का काउंट गिरने लगता है, और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। अंडरस्टूड, गॉट इट? तो मलेरिया कौन कॉज करता है, दिस इज़ अ कॉजेटिव एजेंट, ठीक है? मैंने उसने एक दिन पहले भी एक क्लास में बात समझाई थी, दो वर्ड समझाए थे मैंने, एक एजेंट एक वेक्टर। एजेंट वो जो फैलाएगा, अगर क्लास में कोई शोर मचा रहा है तो वो एजेंट है ना, अब मैटर हो रहा है स्कूल में शोर मचा रहा है, कोई यहाँ पे शरारत कर रहा है, कोई वहाँ पे शरारत कर रहा है ना, स्कूल में बस आती है, स्कूल की बस आती है, मैटर हो रहा है, कार आती है आपको छोड़ के चली जाती है, ये तो नहीं कि कार अंदर आके शोर मचा रही है, हम बोलेंगे नहीं अब हम कार शोर मचा रही थी, ऐसा तो नहीं ना बोलेंगे, शोर तो आप ही मचा रहे हो, तो आप एजेंट हुए है ना, और जो कार हुई वो मैटाडोर हुई, समझे? मैं स्कूल में आ रही हूँ, मैं डांट रही हूँ या मैं पढ़ा रही हूँ, तो जिस कार जिससे मैं आई थी मैं मैटाडोर से आई, तो मैटाडोर तो नहीं ना पढ़ा रही, आई एम द एजेंट। एजेंट वो होता है जो चीज़ फैलाता है, और वेक्टर वो होता है, एजेंट वो होता है जो बीमारी को कॉज करता है, और वेक्टर वो होता है जो उस बीमारी को कॉज करने वाले एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है, समझे? तो यहाँ पे फीमेल एनाफिलस क्या है, वेक्टर है, और एजेंट क्या है, प्लाज्मोडियम वीवेक्स। अब मैंने इसको साइंटिफिक नेम से लिखा है, देखो कैसे लिखा है मैंने, और आप देखो पेपर में कैसे लिखते हो। अंडरस्टूड? थैंक यू।